आइए ना। हाँ जी बोलिए, क्या मदद चाहिए? बिहार से आए, कैसे आए? सुसाइड करना चाह रहे हो? क्यों? तो अरे सुसाइड क्यों करना? कोरोना तो तुम्हारे घर में नहीं आया था, सबके घर में आया था, सबके घर में आया था। सुसाइड क्यों करना? एक ही जिंदगी है बेटा, एक ही जिंदगी है, उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है। कोरोना आया भी और चला भी गया मुंह उठा के, तुम बचे हो, ईश्वर को शुक्रिया अदा करो, है कि नहीं बेटी? सुसाइड तो आप कभी भी कर सकते हो, वो तो ऑप्शन हमेशा है ना आपके पास, मतलब वो कभी भी कर सकते हो, पहले ट्राई तो करो जिंदगी। ये करो, ये करो, पहले ये करो, तंबाकू देखो, तंबाकू देखो, देखो दोस्तों देखो, ये करो, ये देखो, ये करो, ये करो, ये करो, तंबाकू देखो कितना खा रहा है तुम, कितने ये क्या क्या पैसा, अच्छा कितना पैसा छोड़ो और क्या करोगे? दुकान चलाओगे कि दारू पियोगे और ड्रग्स लोगे? पक्का सच बताओ, पक्का वादा? तंबाकू खाते हो? नहीं नहीं, तंबाकू भी नहीं खाना है ना, मत खाओ। पीछे है देखो। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ, यहाँ के वॉचमैन कोई होगा ना उसका नंबर दे देना, मेरा ड्राइवर है राम, राम से मिला देना जरा दोस्तों। हाँ मैम, ठीक है ना, वो हम जितना आपसे मदद हो सके, पहले मैं आपका बैकग्राउंड चेंज करूँ, चेंज नहीं चेक करूँगी, समझ गए? क्योंकि मैं पैसा दूंगी बट अंधी होकर पैसा मैं नहीं दे सकती, पहले देखूंगी कि आप पैसे का इस्तेमाल सही करोगे या नहीं, क्योंकि मैं किसी भी इंसान को जॉब लगा सकती हूँ, पैसा दे के उसके आदत बिगाड़ नहीं सकती हूँ मैं, कि तुम आप आज आपने मेरे पास मांगा किसी कल किसी और के पास मांगोगे, नहीं है ना, बट हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है, थैंक यू। चलो चलते हैं, चल मेरा ड्राइवर है देखो उधर, मिलवा देंगे अभी हम लोग, मिलवा देंगे, मिलवा देंगे। कनेक्शन तोड़ दिया था और पूजा, सॉरी दिव्या अग्रवाल, पूजा बोल रही हूँ, पूजा करने के लायक ही है, दिव्या अग्रवाल के साथ कनेक्शन जोड़ा तो इसके साथ नहीं, उर्फी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए था कनेक्शन, आज वो आउट नहीं होती, एंड बिकॉज इसमें इतना दम है कि वो एंड तक रहती, ये राखी सावंत कह रही है। दिव्या ने इसके ऊपर पूरा जादू किया, डसा है और पूरा षड्यंत्र रचा के उर्फी को आउट किया है, पूरा षड्यंत्र रचा उसने, जीशान को अपने वो डोरे जो डाले ना और खींचा, उसके बाद तो मैं फिर मैंने फोन किया था बट अभी पता नहीं डिप्रेशन में है, सैड है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसके बॉडी पे चोट आई है, वो अभी दो दिन रेस्ट करेगा उसके बाद वो मुझसे बात करेगा। लेकिन लेकिन लोग कहीं ना कहीं ट्विटर पे कई फैंस ये भी बोल रहे हैं कि मतलब कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने सीजन में बहुत ज्यादा मतलब वो वाइल्ड होकर उन्होंने धक्का भी दिया, पुश भी किया, उनको नहीं निकाला है, जीशान को निकाल दिया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या देखो बिग बॉस पे अपना है, बिग बॉस की आंखें जो है ना वो कुछ नहीं छुपता है, बिग बॉस ने देखा है किसने क्या मारा, वो जूम कर 10 बार नहीं 100 बार जूम कर करके देखते हैं कि किसका कसूर है। इतना बड़ा डिसीजन
डिसीजन लिया है तो कुछ तो देख के ही लिया। बिग बॉस का डिसीजन परफेक्ट होता है, बट अभी वो आज एपिसोड देखो ना आप लोग, मैं चाहती हूँ देश की जनता आज एपिसोड देखे, वो डाउनलोड करो और बिग बॉस ओटीटी पे जाओ और हाथ पैर भी तोड़ गए लिटरली, वो निशांत का तो पूरा हाथ ऐसे तोड़ दिया, वो मैंने कहा लाइव पे देखा था, बट बिग बॉस ने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ तो सोच समझ के लिया। बिग बॉस का डिसीजन गलत कभी नहीं होता, बिग बॉस सब देख रहे हैं भाई। अब जीशान तो आ गए, अब किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं तो प्रतीक को ही सपोर्ट कर रही हूँ ऑलवेज, प्रतीक प्रतीक प्रतीक, आई थिंक ही इज अमेजिंग, ही इज वंडरफुल, बहुत सही खेल रहा है प्रतीक का, प्रतीक नेहा बसेन जो प्रतीक पे पूरे डोरे डाल रही है और यहाँ पे उर्फी का दिल जल रहा है बहुत ज्यादा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा दिल किस साइड है क्योंकि जलन इतनी ज्यादा हो चुकी है। उसने प्रतीक अपने एप्पल अपने बॉडी पे लगा लगा के नेहा बसेन को दिया और नेहा बसेन वो एप्पलों का जूस पी रही है और छिलके उर्फी को दे रही है। नहीं नहीं, मतलब छिलके भी नसीब नहीं हुए, मतलब छिलके तक नसीब नहीं हुए, वो छिलके भी निकल गई नेहा। लेकिन तुम्हें जाना है बिग बॉस में, एप्पल वेप्पल जूस वो छिलके सब छीन लेने हैं। अरे नेहा के भी छीन लूंगी मैं। तो जाने वाली है दोबारा, सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज रहने दो, रहने दो ना, आई कांट से एनीथिंग, आई एम सॉरी। तो ओके, अगर इस बार अगर अंदर गई तो अंदर की स्ट्रेटजी क्या होगी इस बार? वो यहाँ कैसे बता दूं मैं, फिर तो आपको सोचा होगा कि इस बार अब तो बाहर अभी क्या बोला, सरप्राइज, वो भी सरप्राइज ही रहेगा। अब ये जख्मी शेरनी, जख्मी नागिन, जख्मी चमगादड़ है, तो सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। अगर ये अभी अंदर गई तो सबकी बैंड बजा देगी, खटिया खड़ी कर देगी। तो राखी की भी टिप्स है आपके साथ में, पूरे के पूरे राखी ने मुझे ट्रेन कर दिया है, तो अब जो मेरे जख्म पे मुझे कैसे वो लगाना है ना, ऐसा ट्रेन कर दिया है कि अब ना रुकने वाली ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन बन चुकी है, अभी उड़ भी जाएगी ये ट्रेन, आप देखना। थैंक यू सो मच, जिम में आने वाला है क्या? मैं 1 मिनट, 1 हो गया, हो गया।